लुक एट दिस ब्यूटीफुल बाइक मैन। जब मैं GTR लेने गया तो मैनी पीपल हैव सेड दैट डोंट गो फॉर दिस बाइक, सो मैनी प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। बट गाइज, आफ्टर 5 ईयर्स मेरे को इस बाइक में एक भी इशू नहीं आया है, नॉट इवन अ सिंगल इशू। जस्ट लुक एट दिस बाइक, दिस बाइक लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड गॉर्जियस। बंदे कहते हैं कि भाई इसमें आप ये ले लो, इसमें वो ले लो, इतने प्राइस में, अरे तेरा भला हो भाई, अरे ओ चलो हाँ। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू स्पोर्ट्स बाइक लेना चाह रहे हैं तो ह्योसंग बेस्ट है। अब मैं आपको इसकी बातें बताता हूँ, क्या क्या बातें हैं। देखिए, सबसे मेन जो चीज़ आती है ना ह्योसंग में, वो मेन है, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, इसका जो इंजन है ना, इंजन वो ऐसे है, वी ट्विन है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ से देखो, अरे ओए चले, अगर आप यहाँ से देखो तो ये जो इंजन है ये वी ट्विन इंजन में आता है, और ये भी लड़का वी ट्विन में है, यहीं बैठ गया आके। है बे, तेरे को कोई खौफ नहीं है मेरे से? तो ये देखो, हाँ तो ये जो इंजन है ना सर, ये इसका QL सेगमेंट जो आता है लैम्स वाला, उसमें भी, और 650 जो ही है इसमें भी, ये दोनों वी ट्विन है। तो असल में तो ये जो बात है, ये यूनिक है इस कैटेगरी के हिसाब से। तो लोग बागों ने मेरे को कहा कि भाई इसके साथ मत जाओ ऐसे ऐसे करके, बट आफ्टर 5 ईयर्स आई वॉन्ट टू कन्फेस दैट आई फेस नॉट एन इशू सो फार, एक्सेप्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट सम एट वन टाइम द शॉकर सील वॉज लीकिंग एंड दैट वॉज माई फॉल्ट दैट आई ब्रेक्ड सो हार्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 साल हो गए और कोई इशू नहीं आया। इस रेंज में 5-6 लाख के बजट में आपको R1 ग्रे मार्केट और भी ग्रे मार्केट 1000cc बाइक्स मिल जाएंगी, बट उनका क्या होता है कि वो जो हैं पूरे उनके ना, मतलब ना ये पता होता ओनर कौन है उनका कि मतलब किसने चलाई है, कितनी चलाई है, उससे पहले क्या का ओनर था, उसकी बाइक की कोई हिस्ट्री नहीं होती, ग्रे मार्केट बाइक्स होती है वो। और तो उससे बढ़िया तो आप लीगली बाइक ले लो, और ये आपका शौक भी पूरा कर देगी, स्पोर्ट्स में भी आती है और भागने में भी ठीक ही है, इतनी भी बुरी नहीं है, भागने में ठीक ठाक भाग लेती है, और बाइक एकदम जेन्युइन है, कोई कमी तो होती नहीं इस बाइक में। मेरे को तो कोई कमी नहीं लगी, 5 साल हो गए। लोग वहाँ मेरे को बहुत मना करते थे भाई निंजा ले लो, भाई निंजा 650 की लुक्स और इसकी लुक्स में तो, मेरे को तो इसकी लुक्स बढ़िया लगी, आप देख ही सकते हो। इसमें एक बनैली भी आती है 600i, उसकी साउंड अच्छी थी, बट वो क्या नाम है, नेकेड में थी कुछ कुछ इसकी पल्सर की तरह, बट क्या नाम है उसका, बट बाइक जो है ये ठीक है। मेरे को अराउंड इसमें 12,000 किलोमीटर हो गए और कोई इशू नहीं आया, बाइक एकदम जेन्युइन है। मैं मतलब राइड्स पे भी जाता हूँ तो मैंने मतलब चलाई हुई है बड़ी बड़ी बाइकों के साथ, तो वो जो बाइकें हैं वो स्ट्रेट में आगे निकल जाती हैं, बट ज़्यादा आगे निकल नहीं पाती क्योंकि बिकॉज़ ये जो है बाइक पकड़ लेती है स्पीड, धीरे धीरे करके पकड़ ही लेती है, ऐसी 150 प्लस तो आराम से पहुँच जाती है, मतलब उसके बाद तो फिर आपके ऊपर है कि आप कितना खींचने को, ये 240 प्लस चले जाती है, 245 250, बट उतना भगाने के लिए गूदा होना चाहिए ना, इतना भगाने के, क्यों पता है 150 के बाद ही ना एकदम इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है कि भाई बंदा ना उसका हेलमेट ही पीछे होने लग जाता है। बाकी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई 5 साल से। अब लोग बाग जो कहते हैं, हमें तो पता नहीं भाई उसका। जब 2002 या 3 में ये कॉमेट लॉन्च हुई थी ना, तो उस वजह से लोग बागों ने क्या कॉमेट यूज़ करी थी, तो उस टाइम पे क्या होता, कॉमेट की जो वो आती थी नॉन फ्यूल इंजेक्शन मॉडल, तो उसमें प्रॉब्लम्स थी, तो लोगों ने स्टीरियोटाइप कर दिया कि भाई अब तो ये बाइक है ही ऐसी। फिर कंपनी ने दोबारा GTR वेरिएंट लॉन्च करा था 2013 में, तो ये GTR वेरिएंट है, तो उस टाइम से अभी तक इस बाइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
ये बेस्ट बाइक है अपनी प्राइस रेंज में अगर देखा जाए, और अपने सेगमेंट में मतलब डिस्प्लेसमेंट में अगर देखा जाए ये बेस्ट बाइक है। थैंक यू।